और वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई अध्यक्ष इमरान खान को गिरफ्तारी का डर अब सता रहा है। इमरान खान की पार्टी ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में बताया गया है कि इमरान खान की जान को भी खतरा है। 7 मार्च को इमरान खान की कोर्ट में पेशी है। गिरफ्तारी के डर के बीच इमरान खान ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है जिसमें कहा गया है कि उनकी जान को खतरा है। साथ ही चीफ जस्टिस से अनुरोध किया गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल होने की अनुमति दी जाए। दरअसल इमरान खान का अरेस्ट वारंट तोशाखाना केस में आया है। कोर्ट के आदेश पर इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर कहा कि सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ वारंट उनको देना है। वहीं पीटीआई का कहना है कि इमरान की गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए किसी को इमरान तक नहीं पहुंचने देंगे। इमरान खान को 7 मार्च को इस्लामाबाद कोर्ट के सामने पेश होना है। इस बीच इमरान खान ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व आर्मी चीफ जनरल बाजवा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य क्या होगा जहां बदमाशों को शासक बना दिया जाता है।